I don't want any part of this. आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी जबान भी है, आदमी बयान भी है, उससे तुम नहीं डरते। हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। हमारे साथ अभी भी हैं रेश मित्तल। एक नया दिन, नए लोगों से मिलेंगे। हमारा यहाँ पे एक बहुत ही खास दोस्त मिस्टर सोम दीक्षित रहते हैं। आज हम लोगों का प्लान है कि उनके साथ पूरा दिन स्पेंड करेंगे, उनके घर की तरफ चलते हैं। उसके बाद बहुत कुछ घुमाना है कानपुर में आज भी भाई को, और कानपुर भ्रमण स्टिल ऑन। और सोम को भी फर्स्ट टाइम व्लॉग में ऐड करना है। पहली बार सोम को ऐड करना है। इसके बिहाइंड एक छोटी सी स्टोरी भी है। जब मैंने व्लॉग शुरू करा था 14 अगस्त 2020 को, तो दैट वेरी सेम डे मैं सोम से मिलने जाने वाला था, और मेरा ये मकसद था कि भाई इससे पहला व्लॉग शुरू करते हैं, बट वो हो नहीं पाया किसी कारणवश, वो थोड़ा बिजी था। फिर वो चला गया अपना एमटेक के लिए, और तब से लेके अब आया है सीरियसली। तो मेरे हिसाब से 98th या 99th वीडियो में आ रहा है, तो बट ठीक है, काम चला लेंगे, सह लेंगे थोड़ा, और चलते हैं भाई। धूप बहुत कड़ाकेदार हो रही है, अभी बज रहा है सुबह का 10:30, लेकिन बहुत ज्यादा तेज धूप है। गियर और स्टीयरिंग व्हील पकड़ने में हालत खराब हो रही है। दोस्तों ये देखें, ये हैं हमारे मार्गदर्शक जो आगे चल रहे हैं गलियों गलियों में। इनके घर आज हम पहली बार जा रहे हैं, बहुत बार मिला हूँ यार इससे, लेकिन इसके घर नहीं गए, आज इसके घर जा रहे हैं। तो ज्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, हम लोग खड़े हैं एक जगह, और वहाँ बोल रहा है यार मुझे पता नहीं है ये जगह, और इसके घर के एकदम पास है। लैंडमार्क बता दिया, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। वही वो हटना था, वो हटोगे भाई? बड़ी कठिन है भाई, गाड़ी चलाना यहाँ पे बड़ा कठिन है दोस्तों। ऐसी गलियों में हम कैसे गाड़ी लाएंगे बताइए। बढ़िया भाई, हेलो कर दो भाई व्लॉग में। आज व्लॉग पहली बार लिया है, बहुत दिन बाद हम तुम्हारे व्लॉग में आ पाए। 99 व्लॉग में, जो पहले व्लॉग में आना था इस आदमी को, लेकिन ठीक है। कहाँ जा रहे हैं सो हम लोग? पंकी मंदिर कानपुर का बहुत फेमस। पहले ये बताओ तुम चश्मा किसका लगाया हो? अभिनव द्विवेदी का चश्मा लगाया। भाड़े का चश्मा क्यों लगा के बैठे? भाड़ा भी नहीं दिया। लाल वाला चश्मा लेके आए जो कि मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो मेरा है। नहीं तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं पनकी मंदिर। हनुमान जी का बहुत ही मतलब एक रिनाउंड प्लेस है यहाँ पे, बहुत अच्छी है, और बहुत पुराना मंदिर है। काफी ज्यादा यहाँ पे भी इतिहास है, जैसे कल हमने आपको बताया था शिवराजपुर का, लेकिन यहाँ का इतिहास मुझे ज्यादा पता नहीं है, बस मंगल है तो इसलिए आज जा रहे हैं। और फिलहाल जाम कुछ ज्यादा ही दिख रहा है यहाँ पे कानपुर में, और बुराइयां ज्यादा कर चुके हैं हम कानपुर की, वो ज्यादा नहीं करेंगे, अब अच्छी चीजें दिखाएंगे। कानपुर में है ही बस वो भाई। कानपुर की सबसे बड़ी तो बुराई मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 दिन से ये चल रही है कि यहाँ पे एक रुड़की का इंसान आ चुका है, वो यहाँ का रुका हुआ बर्बाद कर रहा है भाई। रुड़की कानपुर से काफी ज्यादा बेहतर है। साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ जितने लोगों को भी कांटेक्ट करना है, सोम दीक्षित का इंस्टाग्राम हैंडल लिंक्ड होगा, आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ उनसे आईआईटी के टिप्स एंड ट्रिक्स, सोम पर्सनल ब्लॉगिंग भी करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ आपको लेनी है कि आईआईटी में कैसे घुसा जाए और आईआईटी से कैसे निकला जाए, कैसे रिसर्च की फील्ड में अगर आप और अगर आपको ये पता करना है कि देश से कैसे बाहर जाना है, और क्योंकि भाई साहब कुछ ही दिन में 20-25 दिन में US जा रहे हैं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट था इनसे मिलना है यहाँ पे।
ऐसे ही है दोस्तों, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, काफी होनहार बंदे हैं। बस एक चीज कॉमन रही है कि इन्होंने बीटेक वहीं से करा जहां तो वही, फिर ये आगे निकल गए बहुत ज्यादा अलग। इन्होंने ना सही बात है, रेस तो वैसे हम लोग ही अलग है क्योंकि हम लोग इंसान है तो कुत्ता है। तो रेस तो थोड़ी सी अलग है, ये तो मैं मानता हूँ। इंसानों और जानवरों को कुछ तो फर्क होता ही है ना। हड्डी दिखा दो भाई, बैठ जाएगा जी। भागे गए नहीं। चलो गाइस, इट्स टर्निंग आउट टू बी अ रोस्टिंग व्लॉग, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। आपको पंखी मंदिर मिलता है, वहाँ पे दिखाते हैं, और उसके बाद आज शाम का भी काफी प्लान है, तो बने रहो, लास्ट तक देखते रहना, सब्सक्राइब जरूर। डाने भाई हाँ लॉक है और चल ले भाई मजदूर। गाइस दिस इज द पनकी मंदिर वी वर टॉकिंग अबाउट, इसका इतिहास जरूर आपको बताएंगे, आज भीड़ बहुत है, पहले दर्शन कर लो। सो उछल उछल के जाना, जैसे भाई इतनी तेज जल रहे हैं पैर, इतनी ज्यादा तेज गर्मी है, मंदिर इधर है, तुम सही हो। अच्छा मुझे ओए मुझे तो गाइस फाइनली हम मित्तल जी को लेके आ चुके हैं रेव थ्री यहाँ पर मेरे मित्रों की काफी सारी मेमोरीज हैं जी। हाँ हम लोग यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं, सोम से भी हम मिलते रहते थे अक्सर यहीं पे आके। छोटा सा मॉल है, सबसे पुराना मॉल है कानपुर का, बट गाइस आई वुड से सबसे अच्छी जेंट्री और सबसे अच्छा मॉल मुझे लगता है फॉर सम रीजंस। और मित्तल को यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स लेनी है, तो भाई चलो तुम्हें आज दिलाते हैं बढ़िया बढ़िया कैल्विन क्लाइन की टी शर्ट्स। सिनेमैटिक्स बनाते रहते हैं ना। और सोम भाई क्या लग रहा है, कपड़े देखना है रेस में कर के, ये देखिए पापा के लिए गिरा दिया, ये कलर क्या है, कलर क्या है, ये कलर पहना है हां इस शहर में, ये कलर भी बहुत अच्छा है। साइज क्या है मीडियम एम, हां एम। सामने वाले ही खुला है, निकल ले और सारी एक-एक करके दिखा देना लाके, ठीक है ब्लॉग भी बनना है आपका। भाई सही लग रही है, मजाक की बात नहीं है, बढ़िया लग रही है। नेक्स्ट वन ग्रेट भाई ग्रेट, लास्ट टू एडिशन पीछे दिखा रहे, बहुत ही बढ़िया, दो बहुत अच्छी लग रही है, आगे चल के डिसाइड करेंगे और बेहतर। लग तो सही है भाई, अभी इसमें तेरी बाहें वाहें अच्छे से आ रही हैं। मीनवाइल सोम ने ये पसंद कर लिया तो सोम ये ले रहे हैं, सीली होगी बाकी। बताओ इसका, बताओ इसका, बताओ ये बोल रहा कि ये मैंने तो कभी किसी के सीधे में ले ले, एक एक करके दिखाओ कौन कौन सी ली गई है। गाइस एक ये सिलेक्ट हुई है, एक ये सिलेक्ट हुई है येलो, थोड़ा चटक कलर अच्छा लग रहा है मित्तल को। ये सोम भी ले रहा है एक और सेम, एक ये सिलेक्ट हुई है और एक ये सिलेक्ट हुई है, बहुत ही बढ़िया। चार टी शर्ट्स इनकी, एक टी शर्ट सोम की, बहुत ही बढ़िया, 4-5 हज़ार का खर्चा कर दिया उन्होंने बॉयज ट्रेडवेल। जल्दी आ मित्तल, हम लोग जा रहे हैं बिलिंग पे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मित्तल जी यहाँ पे टाइटन में काम करते हैं और यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए हैं। फेलियर है बता दें हमारी जनता को, बता दें कौन सी 9010 पे। ओके ब्लैक वाली नहीं, हैविंग वाइट डायल। ओके ये वाली, ओके ये वाली।
इसमें दोस्तों आपको डिफेक्ट मिलेगा बाय सीनियर इंजीनियर जो कि टाइटन में है, ये क्वालिटी इंस्पेक्शन ही करते हैं तो इनको पता है बात। हाँ जी सोम, आप कुछ ले रहे हैं? तो दोस्तों हो गई ये शॉपिंग 6400 रुपए की, 1200 रुपए क्या है, 5400 रुपए की चार टी शर्ट लेके आपको कैसा लग रहा है? कानपुर सस्ता शहर है ना, बहुत ही ज्यादा सस्ता है और इस बंदे ने तो इतना बढ़िया काटा है। क्या बढ़िया काटा? मैंने तो दिलवाई है, नहीं लेनी इनको थी। मुझे लगा था कि पहले अभिनव भाई स्पॉन्सर कर देंगे, हम इतनी दूर चल के आए कानपुर, बट अभी इन्होंने एंड टाइम में धोखा दे दिया। सीनियर इंजीनियर टाइटन का ये बोल रहा है कि मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, छोटा मोटा सा यूट्यूबर। WRFR निकाल दिया अभी इसने 2 मिनट में। मैं एक यूट्यूबर के साथ घूम रहा हूँ और मेरे को 4 टी शर्ट भी स्पॉन्सर नहीं कर पा रहा है। दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। बेइज्जती ये करी है कि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये बेइज्जती करी है इसने। भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से थोड़ा मोड़ा हमें भी इस लेवल पे बनाओ कि हम इनको 4 टी शर्ट दिलवा पाए। खुद तो ले ही नहीं पा रहे, इनको दिलवा पाए 4 टी शर्ट, तो ऐसा कुछ बनाए। और दोस्तों फिलहाल यार आज का दिन हमारा काफ़ी हेक्टिक हो गया है, अब कहीं और जा रहे हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में आए वो, बट देन इस व्लॉग के लिए आएगा सोम। बाय बाय कर दें, बाय बाय। और कल दोस्तों जरूर एक व्लॉग जरूर ध्यान रखना, हम लोग अब जा रहे हैं किसी दूसरी सिटी में और अपन 3 ही जा रहे हैं और बहुत मजे होने वाले हैं, तो उसके लिए जरूर आप लोग ध्यान दें। तब तक के लिए मैसेज रिमेंस द सेम, स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड लव एंड बाय बाय। हर हर महादेव, बी सेफ एंड हर हर महादेव।